आइए देखते हैं अगस्त के महीने में आपके लव रिलेशनशिप का सिचुएशन क्या होगा। मल्टीपल स्टोरी लाइन्स हैं, मैं जितना कवर कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करूंगी। आप या आपके इंसान जो हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपके इंसान जो हैं ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट नाउ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ये रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं बोझ है, डर है और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगस्त के महीने में पॉजिटिव आउटकम है फॉर सम ऑफ यू ऑल। यस, नए प्यार की एनर्जी है, लेकिन फॉर सम ऑफ यू ऑल एक रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है। कुछ प्रोग्रेस होगा, कुछ चेंज होगी, कुछ बरकत होगी रिलेशनशिप में। आपके इंसान जो हैं अगस्त महीने में आपके लिए क्या फील करेंगे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ज़रूर रहना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो या तो आपके इंसान ऑलरेडी मैरिड है या आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये रिलेशनशिप को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। फॉर सम ऑफ योर मदर को लेके भी कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। ये इंसान सब चीज़ों से झगड़ के जो हैं अगस्त में आपकी तरफ आएंगे, आपको एक प्यार का मैसेज देंगे, रिकंसिलिएशन की भी कोशिश करेंगे।